मुस्तफ़ा कमाल भाई ने जो सूद के हवाले से बात की है, यहाँ पे हमारे फॉर्मर अपोजिशन लीडर खुर्शीद शाह साहब तशरीफ़ फरमा हैं और भी फॉर्मर पार्लियामेंटेरियंस हैं। पिछले 10 साल से पार्लियामेंट में हर बजट स्पीच में मैं भी सूद पे यही बात कर रहा हूँ। आज मैं अप्रिशिएट करता हूँ मुस्तफ़ा भाई को, और नाम आपका मुस्तफ़ा है लेकिन आपने आज काम भी माशाल्लाह मुस्तफ़ी भी किया है। आपने जो इनिशिएटिव यहाँ लिया है मैं उसको जोड़ता हूँ कायद की उस बात से जिनकी उनकी स्पीच का मोहतरम भाई ने हवाला दिया है 1 जुलाई 1948 का। उस के हवाले से एक बात कायद ने सिर्फ दरबार में मोहतरम डिप्टी स्पीकर साहब की थी और वो इससे बिल्कुल डायरेक्टली कनेक्टेड है। कायद ने फरमाया कि इट इज़ माई फर्म बिलीफ दैट अवर ट्रू सॉल्वेशन लाइज इन फॉलोइंग द गोल्डन रूल्स ऑफ कॉन्डक्ट सेट फॉर अस बाय द ग्रेट लॉ गिवर ऑफ इस्लाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। Let us lay the foundations of our democracy on true Islamic principles of social and economic justice. और यही बात फिर कायद ने 1948 में स्टेट बैंक को की, जिसका हवाला मोहतरम फाजिल मेंबर जनाब मुस्तफ़ा कमाल साहब ने दिया। और मैं हमेशा इस फोरम पे एज एन अपोजिशन मेंबर फ्रॉम 2013 to 2018 ऑन दैट बैक बेंचेस एज अ स्टेट मिनिस्टर फॉर पार्लियामेंट्री अफेयर्स ऑन दैट प्लेस एंड नाउ As again as an opposition member I want to remind the State Bank of Pakistan that the founder of the nation had chalked and earmarked a baseline for you and he had invited you when he said that I shall watch with keenness the work of your research organization in devising the banking principles in accordance with the Islamic principles of economic justice economic life banking principles to पिछले 75 साल से जनाब डिप्टी स्पीकर साहब पाकिस्तान का स्टेट बैंक हमारी फाइनेंस मिनिस्ट्री एंड पीपल हु आर कनेक्टेड विद द फाइनेंस डिवीजन डायरेक्टली वो एब्रोगेट कर रहे हैं कायद आजम मोहम्मद अली जिन्ना की इस डायरेक्शन को जिसमें उन्होंने फरमाया जस्ट 30-40 मोर सेकेंड्स आई शेल वॉच विद कीननेस द वर्क ऑफ योर रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इन इवॉल्विंग द बैंकिंग प्रैक्टिसेस compatible with Islamic ideals of social and economic life the economic system of the west ye badi important baat hai wo aadmi jo pakistan bana gaya 1948 mein keh raha hai dusri jang e azim abhi hal hi mein khatam hui hai mulk azad hua hai ke the economic system of the west has created almost insoluble problems for humanity and to many of us it appears that only a miracle can save it from disaster that is not facing the world that is now facing the world It has failed to do justice between man and man and to eradicate friction from the international field ke western economic system fail ho gaya qaid farmane on the contrary it was largely responsible for two world wars in the last half century the western world in spite of its advantages of mechanization and industrial efficiencies today in a worse mess than ever before in history aur aakhir mein kehte hain the adoption of western economic theory and practices will not help us in achieving our goal of creating a happy and contented life we must work our destiny in our Thank way you. and present Thank you, to the world an economic system based on true islamic concept of equality and man and social justice to sir aakhri baat aakhri line tafseeli baat to mohtaram bhai ne kar di hai सूरह बकरा की भी बात की मौलाना साहब फिर ना नाराज हो जाएं आपकी कोई जनाब ये दीन हमारा भी है हुजूर सर हमारे भी नबी हैं और कुरान हम सबका है और हम सब ने इस पर अमल करना है आपने करवाना होता तो कब तक कब का ये सारा सिस्टम ठीक हो चुका होता अब हम आम लोगों ने खड़े होना होगा तो मैं ये सजेस्ट करता हूँ कि कुरान में अल्लाह कहते हैं जिस तरह भाई ने बात की कि सूद को अल्लाह ख़त्म करता है और तजारत को बढ़ाता है और अल्लाह रसूल से जंग है सूद और ये भी फरमाया कि सूद जो करता है वो अपनी माँ अल्लाह माफ करे से जना के बराबर है तो मैं इस ऐवान को ये कहना चाहता हूँ हमारी लड़ाइयाँ वगैरह भी होती रहेंगी बदकिस्मती से जो माहौल है वो चलता रहेगा ये मैं 10 साल से देख रहा हूँ लेकिन ये ऐवान अगर ये काम कर गया जो हम हमेशा कहते रहे और मुस्तफ़ा भाई ने भी बात की है और मैं समझता हूँ कि फाइनेंस मिनिस्टर साहब इसको सपोर्ट करेंगे हम ये नहीं कह रहे कि आज रात मोहतरम शहबाज शरीफ साहब या फाइनेंस मिनिस्टर साहब आज रात हुक्म करें कल से सूदी निजाम खत्म हो जाए बट वी हैव टू फाइंड अ वे टू स्लोली एंड ग्रेजुअली गेट आउट ऑफ इट शुक्रिया साहब आपका पॉइंट आ गया आपने खोले माइक खोले जो यहां मुस्तफा कमाल साहब ने बात की 38F की कि देयर हैज टू बी लिमिट
कि हमने कब इससे निकलना है, पहले ये अवाम फैसला कर ले कि अवामी लोग हैं, हमेशा ये इसको सपोर्ट करते हैं, आगे बात नहीं जाती। मैं प्रैक्टिकली एक तजवीज दे रहा हूं, देखिए सुप्रीम कोर्ट तक बात गई मुशर्रफ साहब के दौर में, फिर उस पर फुल स्टॉप लगा दिया गया। मैं ये कहना चाहता हूं ये ऐवान एक स्पेशल कमेटी ऑन इरेडिकेशन ऑफ रिबा बनाए और उसमें हम सब बैठें और उसको परसू करें और इंश्योर करें कि जब हम घर जा रहे हो तो पाकिस्तान से सूदी निजाम को भी हम घर भेजें। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया।